नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो के चंद्रयान 1 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों को कई सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था, चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पर की गई खोज पूरे देश, खासतौर पर युवा वैज्ञानिकों और बच्चों को नई ऊर्जा से भर देगी। मुझे यकीन है कि बाहरी दुनिया की खोज में चंद्रयान केवल एक शुरुआत भर है। करीब 10 साल पहले 2008 में मुंबई में चंद्रयान प्रोमिसेंस एंड कंसर्न पर नेशनल साइंस सेमिनार में उन्होंने कहा था कि इसरो को अब आर्बिटर मिशन की जगह चंद्रयान 2 के तहत अपना लैंडर चांद की सतह पर उतारना चाहिए, ताकि चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। दरअसल इसरो के 2008 में लॉन्च हुए ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 ने ही पहली बार चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया था। चंद्रमा पर पानी की खोज भारत की MIP मून इंपैक्ट प्रोब डिवाइस ने की थी और नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। उस सफलता से उत्साहित होकर ही इसरो अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट गया था। वह कलाम ही थे जो किसी भी मिशन को कम से कम लागत में करने का सुझाव देते थे, जिसका अनुसरण इसरो बखूबी कर रहा है। उन्होंने नासा और इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 2050 तक 1 किलोग्राम वजन वाले अंतरिक्ष यान बनाने का सुझाव दिया था, जिससे मिशन की लागत को लगभग 10 गुना कम किया जा सके। उन्होंने भविष्य में इसरो और नासा को साथ मिलकर अगले मिशनों पर काम करने का भी सुझाव दिया था। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 13 अगस्त से 19 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। 19 अगस्त को यह चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद 13 दिन यानी 31 अगस्त तक वह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडर आर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के दक्षिण ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू करेगा। 5 दिन की यात्रा के बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर विभिन्न प्रयोग करने के लिए उतरेगा। चंद्रयान 2 भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारी भरकम रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 2 का बजट 978 करोड़ रुपए है और इसका मकसद भारत को चंद्रमा की सतह पर उतरने और उस पर चलने वाले देशों में शामिल करना है। आज से ठीक 31 साल पहले इसी तारीख को हुई लॉन्चिंग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने कुछ महीने पहले बोला था कि अब इसरो हर साल 10 से 12 लॉन्चिंग करेगा, यानी हर महीने एक लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग की सफलता और असफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसमें मौसम, तकनीकी वजह आदि शामिल है। एक्चुअली ये मिशन टेक्निकल स्नैक के कारण जुलाई 15 को नहीं चल पाया, तो उस समय बहुत लोग के मन में ये था मे बी ये फेल्यूर हो जाएगा करके एक डर था। वो अभी इसरो ने करके दिखाया दैट उस तरह से नहीं है। हम कोई भी फेल्यूर होने का चांस है उसको पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकता है, उसको दूर कर सकता है, उसको क्लियर करके हम अच्छे से स्पेसक्राफ्ट चल सकता है, वो अभी प्रूव किया है। एंड इस मिशन में सिर्फ इंडिया का गर्व वो सिर्फ नहीं है, इंडिया का टेक्नोलॉजी हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। मतलब नॉट ओनली रॉकेट टेक्नोलॉजी, चांद में लैंड होके उधर रोवर चलना है ना, वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना है, वो टेक्नोलॉजी तक हम एक्चुअली हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। देन हम किस जहाँ में चांद में लैंड हो रहा है वो जहाँ एक्चुअली महत्वपूर्ण जगह है, मतलब फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी या फ्यूचर स्पेस स्टेशन वो आना तो लगभग वो जहाँ में होगा। उसलिए इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस बार ये GSLV रॉकेट अब भेजा है, ये सिर्फ क्या प्लान किया है उसके ऊपर परफॉर्मेंस दिया है। नंबर 1 ने पहला ये डिसाइड किया था लगभग 170 किलोमीटर धरती के पास, 170 किलोमीटर दूर में लगभग 39,000 किलोमीटर उस तरह से एक बहुत एलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको प्लेस करने के लिए तैयार किया था। बट इस बार एक्चुअली परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया दैट दूर का प्रदेश 6,000 किलोमीटर आगे बढ़ गया, उसका मतलब 45,000 इस तरह से ऑर्बिट में ये हो रहा है। इसका मतलब है दैट हम उतना इंजन एक्चुअली कंज्यूम नहीं करने का चांस होगा, उसका मतलब उसका बचेगा। उसका मतलब चांद को चारों ओर ऑर्बिटर घूमने का एक साल हम रखा था ना, वो और ज़्यादा उसको लाइफ बढ़ाने के लिए चांस हो रहा है। दूसरा चीज़ है, इस टाइम ये परफॉर्मेंस है GSLV का परफॉर्मेंस
15% ज्यादा था। इसका मतलब है दैट नेक्स्ट टाइम हम इस तरह से जीएसएलवी को हम यूज करने के समय हम इसको उसमें वजन हम इसको इंक्रीज कर सकता है। अभी तक इसके पहले सिर्फ 3.6 ही किया था, इसमें हम 3.8 किया है, इसके बाद हम 4 टन लेके जा सकते हैं।